हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 2 की। तो बहुत ही बेहतरीन इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। इसके ऊपर आज हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि वैसे वो बता दूँ कि जीएसटी के मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें हम इलस्ट्रेशन 2 में आपको वर्किंग नोट अच्छे से समझ में आएगा कि बनता कैसे। ये जितने भी आप देख रहे हो ट्रांजेक्शन, इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि कोई भी आप ट्रांजेक्शन एक सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। आप किसी किसी की तो ट्रांजेक्शन कोई जो आसान है वो तो कर सकते हो, लेकिन बाकी नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन पहले वर्किंग नोट बनाना है, ताकि मैं देख सकूँ जैसे सामान खरीदा तो कितने का खरीदा, कितना जीएसटी लगा, ये सब चीज़ें आपको वर्किंग नोट में पहले निकाल के दिखानी है। तो जब आप पहले फॉर्मेट बनाओगे तो पहले फॉर्मेट बनाना, देखो रामन लिखा होता वहाँ पर, तो मैंने मान लिख दिया इन द बुक्स ऑफ रमन, रमन की बुक्स में बनानी है, ठीक है। तो फॉर्मेट, अब आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेट जब आप बनाओगे तो एक जगह छोड़ देनी है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, तो मैंने देखो 2 पेज की तो जगह कम से कम लेके अंदाजे से छोड़ दी वर्किंग नोट। अब मैं कब अगले पेज से बनाना स्टार्ट करूँ, तो वर्किंग नोट बनता है क्वेश्चन खत्म होने के बाद। लेकिन आपको पहले यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होने के बाद नहीं बना सकते, पहले आपको पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे ना, बिना वर्किंग नोट क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए पहले वर्किंग नोट बनाना है एक एक करके। तो देखो पहली ट्रांजेक्शन बनाते हैं, धीरे धीरे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वैसे मैंने वो क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी बताया था, अगर आपने वो देखी है वीडियो, नहीं देखी तो आप कोई बात नहीं, ये देखिए। जैसे आप गुड्स परचेज किए संजीव से ऑफ 40,000 रुपये, लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखो ये जो वैल्यू है 40,000 रुपये, ये परचेज वैल्यू नहीं है। अगर इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हो रखा, अगर इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हो रखा, तो वो कौन सी वैल्यू होती है, लिस्ट प्राइस। तो वो लिस्ट प्राइस होता है। तो ये जो 40,000 दे रखा है ये लिस्ट प्राइस है, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। जब हम कोई सामान बहुत बल्क में खरीदते हैं तो सामने वाला मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे देता है, तो इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, तो 10% माइनस होगा तो 4,000 रुपये आ गए, 40,000 का 10% 4,000। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं, अगर ये खरीदा है सामान तो परचेज वैल्यू बोलूँगा, और अगर सामान ये बेचा है तो सेल वैल्यू बोलूँगा। तो यहां बोलूंगा परचेज वैल्यू, क्लियर। इसके ऊपर अब आपको देखना पड़ता है, अगर कोई कैश डिस्काउंट माइनस नहीं हो रखा, मतलब अब 36,000 रुपये का सामान खरीदा, मैंने पैसे हाथों हाथ दिए या नहीं दिए। कई बार क्या होता है, जब पैसे देते हैं तो ट्रेड कैश डिस्काउंट लग जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां सीधा CGST और SGST लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसी के ऊपर भी इसका मतलब 36,000 रुपये का सामान खरीदा तो जीएसटी भी लगा होगा। तो जीएसटी किस पे लगता है, जितने का सामान खरीदा, और खरीदा कितने का, 36,000 रुपये का। इसके ऊपर अब जीएसटी मुझे देना पड़ेगा, तो CGST लगाते हैं इसके ऊपर। CGST तो 9% लगेगा, और SGST भी लिखा हुआ है 9%, ये दोनों ही एक ही रेट होता है। तो इसका 9 9% निकालेगा कितना देगा, 3240। तो इसको जो प्लस करेंगे तो आ रहा है 42480 आएगा, और इसको बोलते हैं हम इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। यानी कि इतना पैसा या तो दिया है या देंगे। अब देखना पड़ेगा कि सामान उधार में खरीदा है या कैश से खरीदा है, जब कुछ ना लिखा हो और नाम आ गया तो वो उधार में ही खरीदा, तो ये उधार में खरीदा संजीव से। तो एंट्री करेगी इसकी, तो देखिए एंट्री हो जाएगी ये वाली, परचेजेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीदा है, और जब GST देते हैं, वैसे यहाँ पर दिया नहीं है हाथों हाथ, देंगे हम तो उसे डेबिट करते हैं, बिकॉज जब सामान खरीदा है तो बेसिकली जो इनपुट GST है वो हमें फ्यूचर में वापसी मिल जाएगा सरकार से, तो हम डेबिट कर देते हैं। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, तो 3240 निकाला था, इनपुट SGST 3240, और 2 पैसे किसको देने हैं, संजीव को देने हैं, तो जिसको देने हैं वो क्रेडिटर होता है वो यहाँ। तो जो इनवॉइस वैल्यू होती है ना वो यहाँ लिखते हैं, जो हमारी इनवॉइस वैल्यू अभी आई थी कितनी आई थी, 42480। ये अगर जितना देखो जितना पैसा देना होता है ना वो इनवॉइस वैल्यू होती है, तो बेसिकली ये यहाँ पर आती है। अगर ये कैश अकाउंट होता तो भी यहीं पे आती, संजीव है तो यहाँ पर आई, जितना पैसा देना है या दिया वो यहाँ पर आता है, क्योंकि जो पैसा देते हैं हम GST समेत देते हैं।
लेकिन सामान कितने का खरीदा वो जीएसटी छोड़ के जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो डालता हूँ, तो देखो परचेज वैल्यू परचेजेज अकाउंट में जाती है। इसमें कभी भी परचेज अकाउंट में जीएसटी नहीं लिखते, जीएसटी अलग दिखाते हैं, समझ गए? तो ऐसे समझोगे तो हमेशा आपको समझ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि लिस्ट प्राइस और सेट रेट डिस्काउंट मार्जिन जो वैल्यू आएगी ना ये परचेज अकाउंट में जाएगी, तो इसलिए ये और बाकी जीएसटी और बाकी ये कहाँ जाएगा, जितना पैसा दिया या देंगे। अब देखो सेकेंड वर्किंग नोट आते हैं, अब आप ध्यान से देखोगे तो इस बार परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 रुपये लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट अभी माइनस करना है, तो ये भी लिस्ट प्राइस ही है इसका, और सी जी एस टी रेस जी एस टी इस बार पेमेंट दे दी है, लिखा हुआ लास्ट में चेक से, तो उसी तरीके से वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो तो यहाँ पर सेकेंड वर्किंग नोट जो बनेगा, तो यहाँ लिखिएगा लिस्ट प्राइस, इस बार लिस्ट प्राइस है 60,000 का। तो 60,000 रुपये का सामान उसने दिखाया, लेकिन जब उससे ख़रीदा तो वो 10% ट्रेड डिस्काउंट से ख़रीदा, और ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए मैं ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करता। हम तो रिकॉर्ड जो करते हैं वो करते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सामान ख़रीदा कितने का, ये नहीं कि था कितने का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होते हैं वो लिखते हैं, ये कभी 4,000 रुपये दिखाते नहीं बुक्स में। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% का, तो 60,000 का 10% 6,000 रुपये, इसको माइनस करेंगे तो आ गया 54,000। ये जो वैल्यू होगी ये क्योंकि सामान खरीदा है तो ये हो जाएगी परचेज वैल्यू, ठीक है? अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बिकॉज अब देखो ये पेमेंट इतने ही दे रहा हूँ ना, 54,000 की जब पेमेंट दे रहा हूँ तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो यहाँ पर लगाते हैं सी जीएसटी और एस जीएसटी ही लगेगा, क्योंकि ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कि बाहर से सामान खरीदा है। तो इसका 9% निकालेंगे तो आ जाएगा 4860, जब आप 9% निकालोगे दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 63720। तो ये होगी हमारी इनवॉइस वैल्यू। देखो इसी को ही हम टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं, जिस वैल्यू पे टैक्स लग रहा है तो उसको टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं ना। लेकिन मैं क्यों नहीं लिखवा रहा यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, तो कि आपको बहुत आसानी होगी इससे, जब आप एंट्री करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा परचेज वैल्यू परचेज अकाउंट में जाएगी, ये वाली इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी में जाएगी, और ये वाली वैल्यू या तो चेक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या नाम वाले अकाउंट में जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ परचेज वैल्यू लिखवा रहा हूँ, इसको यहाँ टैक्सेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स जिसके ऊपर लग रहा है उसी को टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? तो देखो जनरल एंट्री कैसे होगी इसकी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, अब ये आएगा परचेज वैल्यू, देखो जो आपने सामान कितने खरीदा, फिर आपको जो जीएसटी दिया आपने इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी, अब इस बार टू बैंक लिखा है क्योंकि चेक से पेमेंट करी है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, और ये इनवॉइस वैल्यू आएगी, ठीक है? ऐसे करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1,00,000 का सामान खरीदा लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ये भी लिस्ट प्राइस हो गया, इसका मतलब सी जी एस टी रेस जी एस टी देना। लेकिन देखो ये मैं कह रहा था आपको, इस बार चेक से पेमेंट इमीजिएटली दी, लेकिन इस बार 2% का कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। कई बार क्या होता है कि पेमेंट देने के समय सामने वाला बंदा हमें डिस्काउंट दे देता है, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ये वो वाला केस है। अब देखते हैं कैसे होता है। देखिए तो यहाँ पर जो लिस्ट प्राइस है इस बार कितने का सामान खरीदा है, 1,00,000 का, 1,00,000 का लिस्ट प्राइस था, इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा जो कि हो गया 10,000, 1,00,000 का 10%, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, परचेज वैल्यू 90,000। अब ये 90,000 की जब मैं पेमेंट कर रहा था चेक से, तो हुआ क्या, सामने वाले ने मुझे इसके ऊपर 2% का डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट बोलते हैं उसे, यानी कि 2% आपको पैसा नहीं देना, तो इसका 2% माइनस कर देंगे, क्योंकि जो पैसा नहीं देना मुझे वो डिस्काउंट जो मिल गया, तो इसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा, जितने का पैसा देना था उसके ऊपर क्या डिस्काउंट लगता है, समझ रहे हो? जितना आपको पैसा देना था तो 90,000 रुपये देने थे तो लेस कैश डिस्काउंट लगेगा, ठीक है? कैश डिस्काउंट लगेगा किसके ऊपर, 2% लगेगा, तो कितना आ गया इसका 1,800।
तो वो जब मैं माइनस कर दूंगा तो आ जाएगी वैल्यू 88,200, यानी कि इतना एक्चुअल में पैसा मुझे अब देना है। 90,000 रुपये देने थे लेकिन वो कह रहे 90,000 नहीं देने आपने, आपको सिर्फ 1,800 रुपये माइनस कर देंगे, 1,800 आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 1,800 ना देना, आप सिर्फ इतना दो, यानी कि इसके ऊपर अब टैक्स लगेगा ना, जितना अब एक्चुअल में मुझे पैसा देना था तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये बन जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। इसीलिए मैं आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ नहीं लिखवा रहा था। टैक्सेबल वैल्यू वैसे तो देखा जाए तो बाकी सब में यही वाली होती है, जितने का एक्चुअल में ख़रीदा, लेकिन जब आपको पता चल गया कि भाई इतना पैसा नहीं देना, आपने देना है इतना, तो टैक्सेबल वैल्यू तो ये है ना। फिर पहले देना था 90,000 रुपये लेकिन वो कह रहा कि 1,800 नहीं देना आपने, तो ये जो है जितना देना है उसके ऊपर टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, जितना पैसा देना था उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर लगेगा CGST, SGST, क्योंकि क्वेश्चन में बेसिकली पूरा क्वेश्चन ही इंटरेस्ट रेट का है, तो 9-9% लगेगा। जब मैं 9-9% निकालूंगा तो कितना आ रहा है वो आ जाएगा आपके सामने, कितना 7938 आ जाएगा। जब आप निकालोगे तो 7938 आ रहा है, इसका टोटल करोगे तो आएगा 1,04,076। ये आपका इनवॉइस वैल्यू है, इतना पैसा दिया होगा आपने, समझ ले। तो ये करना था। अब इसकी जनरल एंट्री करते जरा, देखो जनरल एंट्री बड़ी सिंपल है, आपने अगर डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री जनरल में समझी हुई है तो ये आपकी एंट्री कुछ भी नहीं है। पहले तो परचेजेस अकाउंट ही डेबिट होगा, सामान जितने का खरीदा, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, परचेज वैल्यू। इसलिए मैं आपको परचेज वैल्यू लिखवा रहा था 90,000 रुपये की, ठीक है। 90,000 रुपये का सामान खरीदा ना आपने, जीएसटी ड्यूटी छोड़ो, डिस्काउंट वगैरह भाड़ में गया, आपको ये देखना पहले सामान खरीदा कितने का, वो परचेज अकाउंट में जाता है। डिस्काउंट जो दिया वो अलग पॉइंट है, खरीदा कितने का वो परचेज अकाउंट में जाता है। उसके बाद आपको, अब आपने इसके पैसे दिए वो भी किससे, पहले तो इनपुट, इनपुट CGST ये सब डेबिट होता है, तो इनपुट CGST अकाउंट जो भी आपने GST दिया तो इसको डेबिट करते हैं, तो इनपुट CGST इनपुट है, तो वो आपने जो पीछे भी निकाला था वो आ रहा था, वो कितना आ रहा था 7938, तो 7938 आएगा। अब आपने जो पैसे दिए वो चेक से दिए थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया कौन सी वैल्यू आती है, इनवॉइस वैल्यू आएगी। फिर ये जितना GST समेत पैसा दिया होगा आपने, 104076, लेकिन ये टोटल अभी मैच नहीं कर रहा है, ध्यान से ना, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे, क्योंकि आपने एक गड़बड़ कर रखी है, परचेज अकाउंट में 90,000 डाल रखे हैं, लेकिन आपने ये जो इनवॉइस वैल्यू निकाली वो 1,800 कम करके निकाली थी, समझ रहे हो। तो ये 1,800 का क्या हुआ, 90,000 रुपये हमने लिख दिया वहाँ पर, ये भी लिख दी वैल्यू, ये वैल्यू भी लिख दी, लेकिन यहाँ पर जो 1,800 कम किए थे उसका तो इफेक्ट कहीं पे दिखाना पड़ेगा ना, बिकॉज परचेज वैल्यू तो आपने 90,000 की लिखी है, ये तो लिखी नहीं। तो 1,800 क्या है, ये देखो ये वाला कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ये आपने उसमें जनरल चैप्टर में समझा होगा, नहीं समझा तो ध्यान सुन लो। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट होता है, बिकॉज ये एक्चुअल में आपको पैसा देते हुए लगा है। यहाँ तो सामान खरीदा नहीं था अभी, तीसरे डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है, यहाँ सामान खरीद चुकी है, जब पैसा देने की बारी आई तब डिस्काउंट लगा। और ये जब ये कहाँ, ये सामने वाले ने मुझे दिया है, मैंने नहीं उसको दिया, जब मैं 90,000 में पेमेंट देने जा रहा था तो उसने मुझे 1,800 का डिस्काउंट दे दिया, जो डिस्काउंट मिल गया वो मेरे लिए इनकम होती है, और इनकम होती है क्रेडिट। इनकम का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जो डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर मैं डिस्काउंट दूंगा सामने वाले को तो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो ये बेसिकली इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,800 से हो। अब देखो ये मैच टोटल करोगे मैच हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ लिखिए बीइंग गुड्स परचेस्ड अगेंस्ट चेक, ठीक है, एट 2% कैश डिस्काउंट, 2% के कैश डिस्काउंट खरीदा, प्लस हमने जो GST दिया वो कितना दिया, CGST एंड SGST एट 9% ईच। इस तरह से एंट्री होती है, समझ आ रही बात। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाली, तो और बड़ी बेहतरीन एंट्री है, गुड्स परचेज किया तरुण से 1,00,000 का, लेस 10% डिस्काउंट, ये भी देखो वही है, लिस्ट प्राइस है ये भी,
सी जी एस टी राइट जी एस टी फिर वही लिखा हुआ है, लेकिन इस बार कह रहा है कि आधा पैसा दिया चेक से, उसमें था कि पूरा पैसा दिया चेक से, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है आधा दिया और बाकी 2% डिस्काउंट मिल गया, ये भी लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन इस बार आधा दिया है तो इसमें क्या होगा। तो ध्यान से अब देखना, अगर आपने आधा पैसा दिया, देखो लिस्ट अब आपको क्या करना है, ध्यान से मतलब अब आपको ये चीज़ पता है कि जब आप एंट्री करने जाओगे तो आपको क्या करना होगा, आधा पैसा दिया तो ठीक है टू बैंक अकाउंट में फिर आधा वाली अमाउंट जाएगी, लेकिन जो बाकी आधा नहीं दिया वो उधार में खरीदा है, इसका मतलब जब उधार में खरीदते हैं तो टू उस बंदे का नाम आता है। अब मैं एक साथ ये अमाउंट नहीं निकाल सकता, मुझे बैंक वाली अलग अमाउंट चाहिए और जो उधार में खरीदा है उसकी अलग अमाउंट चाहिए, बिकॉज दोनों का हिसाब किताब अलग है। कैश डिस्काउंट लगता है जो कैश परचेज होती है या कैश सेल होती है, जो कैश वाली मतलब मैंने ये देखो ये परचेज कैश वाली थी, पूरा 90,000 की पेमेंट करी इसलिए मैंने कैश डिस्काउंट 90,000 पे पूरा लगाया, लेकिन जब आपने पूरा कैश से नहीं पेमेंट करी तो आपको अलग अलग निकाल के दिखाना पड़ेगा अलग अलग। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैश वाला हम कैश वाले जो अमाउंट इनवॉइस वैल्यू होगी वो अलग निकालेंगे, बिकॉज कैश वाले पे कैश डिस्काउंट लगता है, और उधार वाली यानी कि क्रेडिट वाली उसका अलग निकालेंगे। तो मेरे पास मुझे पता है कि लिस्ट प्राइस था 1,00,000 का, वैसे सामान कितने का खरीदा मैंने 1,00,000 का लिस्ट प्राइस। अगर मैं देखूँ कि इसका आधा आधा अलग अलग कर दूँ, क्योंकि 1,00,000 का आधी पेमेंट मैंने कैसे करी है, 1,00,000 में जो सामान खरीदूंगा मैं उसमें से आधा कैश से आधा क्रेडिट से, इसका मतलब लिस्ट प्राइस 1,00,000 का आधा कितना होता है 50,000, तो 50,000 तो कैश वाला लिस्ट प्राइस हो गया, 50,000 उधार वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आधा ही पेमेंट नहीं करता तो मैं 1,00,000 सीधा यहाँ लिखता, सीधा जैसे हम कर रहे थे रुपीज़ साइन करके, लेकिन ये क्योंकि 1,00,000 का सामान जो खरीदा है उसमें से कुछ आधा पेमेंट करूँगा कैश से, आधा बाद में करूँगा उधार में, अब तो आधा आधा पहले कर देंगे तभी हम निकाल सकते हैं कि कैश वाला कितनी इनवॉइस वैल्यू आएगी क्रेडिट वाली, फिर वही करेंगे अब लेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो इसका दोनों का 10% हम निकालेंगे, इसका 10% आ जाएगा 5,000 पे, इसका भी 50,000 का 10% 5,000 ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ जाएगा 45,000, ये भी 45,000 आ जाएगा, ये क्या बोलता हूँ मैं परचेज किया है सामान तो परचेज वैल्यू, इसको मैं एक साथ भी कर सकता था, मुझे पता आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, ये एक साथ भी कर सकता था कि 1,00,000 का 10% 10,000 टोटल 90,000 पे आ जाती, लेकिन अब आप देखो ट्विस्ट क्या होगा, अब इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, अगर डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट लगाते हैं, तो कैश डिस्काउंट लगेगा एट 2%, बट वो किस पे लगेगा, वो सिर्फ लगेगा इस पे। कैश डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है, जब आप कैश में कोई पेमेंट कर रहे हो तभी तो लगेगा डिस्काउंट, तो कैश वाली तो पेमेंट 45,000 ही करोगे ना, जब आधी पेमेंट का मतलब क्या है, मैं 45,000 की पेमेंट जब करने गया तो उसने 45,000 पे 2% लगा दिया, तो इसका 2% कितना होता है 900 रुपये, उधार वाली पे नहीं लगेगा, जब ये पेमेंट करने जाऊँगा तब वो बात की बात है, 45,000 की बाकी जो पेमेंट उधार वाली है वो अभी करी नहीं तो उस पर नहीं लगेगा, जितनी करी है उस पर लगता है, इसीलिए मैंने बस अलग अलग किया। अगर ये ऐसा ना होता ना तो मैं ऐसा ही कर सकता था, सीधा लगा दिया 1,800, लेकिन यहाँ पर अलग अलग इसलिए करा बिकॉज कैश वाली पेमेंट अलग थी उधार वाली अलग थी, दोनों एक नहीं थी, इसलिए मुझे अलग अलग करना पड़ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,400 और ये 45,000 आएगा, ये आगे टैक्सेबल वैल्यू, अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, देखो टैक्स दोनों पे लगता है, टैक्स दोनों पे लगेगा, चाहे कैश वाली हो परचेज या क्रेडिट वाली हो, टैक्स तो दोनों पे लगता है, क्योंकि आप देखो पीछे भी जो मैं पीछे परचेज वैल्यू निकाल रहा था उधार में भी खरीदा था मैंने सामान, देखो ये संजीव से तब भी मैंने टैक्स लगाया ना, तो टैक्स तो सब पे लगता है, उधार पे भी लगेगा, तो टैक्स लगाएगा यहाँ पर एड CGST एट 9%, SGST एट 9%, तो वो आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा, इसका निकालूगा तो 3969 आ रहा है, 3969 आएगा, इसका निकालूगा तो 4050 आएगा, प्लस करेंगे दोनों को ये कितना आ जाएगा 5203 है, और ये आ जाएगा 53100, तो ये हो गया इनवॉइस वैल्यू। अब आप देखिए एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त है, वही एंट्री होगी
सबसे पहले सामान खरीदा, सामान खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, सिंपल। और यहाँ पर कौन सी अमाउंट जाएगी, इनवॉइस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, सिर्फ कैश वाली अमाउंट जाती है, क्रेडिट वाली भी, दोनों जाती है। परचेज अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी, जब उधार वाले जब सामान खरीदा था, उधार वाली पेमेंट लिखी नहीं थी मैंने परचेज अकाउंट में, तब 36,000 पे। ऐसे यहाँ भी तो लिखूंगा ना, ये थोड़ी सिर्फ कैश वाली अमाउंट लिखूंगा, दोनों लिखूंगा। तो 45,000 प्लस 45,000 90,000 टोटल दोनों आएगी इसमें, 90,000 रुपये की उधार हो या क्रेडिट हो दोनों लिखते हैं। फिर जो GST दिया वो भी आएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब ये आपको, ये भी आपको GST जो दिया वो दोनों लिखाना है, ये वाला भी ये वाला भी, उधार और क्रेडिट दोनों का GST जो प्लस करके कितना आ रहा है वो दिखाना है। तो वो निकालोगे कितना आएगा, दोनों जब आप दोनों को प्लस कर लोगे तो 8019 आ रहा है, 8019 आएगा। अब आपने जो पेमेंट चेक से दी है तो टू बैंक अकाउंट लिखूंगा, जो चेक से पेमेंट दी तो वो आपको ये कैश वाली जो कॉलम बनाया था, ये आपने पेमेंट चेक से दी है ना, 5203 है, ये वाली जो इनवॉइस वैल्यू है वो दिखाऊंगा। यहाँ कैश लिख दिया, इसको बैंक वाला भी लिख सकते हो कॉलम, ठीक है। बैंक से पैसा दिया या कैश से दिया एक ही बात है। तो 5203 जो GST समेत अमाउंट आ रही है वो यहाँ आएगी। और जो आपने आधी पेमेंट तो दे दी, ये वाली आधी नहीं दी, वो किस में जाएगा, उस बंदे का नाम, उसका नाम था तरुण, तो तरुण का नाम आ जाएगा और वो आएगी ये वाली वैल्यू कि कितनी पेमेंट देनी है तरुण को, 53108, ठीक है, ये आएगी, सॉरी 53100 कितनी आएगी, 53100। अभी एक चीज़ और बाकी है, वो है डिस्काउंट। आपको भी याद होगा पीछे भी हमने लिखा था टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यहाँ भी वही लिखेगा ना, क्या डिस्काउंट जो 1800 आया, ये बेसिकली डिस्काउंट मिला है मुझे। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्री देखो कितनी बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री है ना। ऐसे करते हैं, डोनेशन लिखते हैं इसकी, तो देखो वही डोनेशन लिखती है, बींग गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश अगेंस्ट प्लस CGST 9% और आधी पेमेंट दी है चेक से, तो उसमें 2% कैश डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब आप इतना समझ गए तो आप बाकी सारे अब वर्किंग नोट खुद से ला सकते हो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो आगे क्या लगेगा, सोल्ड गुड्स टू भुवन फॉर 40,000 पे। अब ये सोल्ड वाला आ गया, बस क्या करके मुझे एक चीज़ बताओ भैया, इसका वर्किंग नोट आप बना सकते हो खुद से ही। लिस्ट प्राइस आएगा इस बार तो यह आएगा 319014। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बेसिकली हम टोटल करते हैं ना पहले, जब हम अगले पेज पे लिखते हैं तो टोटल, पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल CF, यहाँ जगह नहीं थी लिखने की, टोटल CF आता है, टोटल करते हैं, फिर वो ब्रॉड फॉरवर्ड, पहले कैरी फॉरवर्ड फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। देखो इसका वर्किंग नोट सिंपल सा बनेगा, पहले लिस्ट प्राइस 40,000 रुपये था, फिर ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे। इस बार बस क्या लिखना, सेल वैल्यू, अभी आप परचेज वैल्यू किया रहते हैं, बस सेल कर दो, सेल वैल्यू, बाकी कुछ नहीं करना। एंट्री क्या होगी भैया, एंट्री कुछ नहीं होने वाली, वही होना है। देखो ये सामान ना हमने उधार में बेचा था, क्योंकि ना कैश लिखा हुआ नहीं, तो भुवन डेबिट हो गया, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं, ये डेटर है, उस समय वो क्रेडिटर थे, वो क्रेडिट हो रहा था। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो सेल वैल्यू आपने लिखी है 36,000 रुपये। इस बार ये CGST मैंने लिया है सामने वाले से, पहले मैं दे रहा था तो डेबिट हो रहा था, जब ले रहा हूँ तो सरकार को ये देना है, तो ये लाइबिलिटी होती है, तो इसलिए लिखते हैं आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है, ऐसा करना है। तो बाकी आप सारी कर लोगे, ये भी आप कर लोगे आराम से, फिर अब ये भी कर लोगे। अब आप देखो, जब भी आप डिस्काउंट कहीं पे, अगर डिस्काउंट आ गया ना, जैसे सब में आप क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिख रहा था, इसमें क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि इस बार डिस्काउंट देता हूँ। जब कोई बंदा मुझे पैसा देता है तो मैं सामने वाले को डिस्काउंट देता हूँ, तो मेरे लिए खर्चा है वो, इसलिए यहाँ डेबिट हो जाता है बस। फोर, ये लास्ट वाली एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने ये वाली करी थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली जो करी थी ना हमने, जिसमें कैश और क्रेडिट वाला अलग अलग करना होता है, ये करना है इसमें भी। इसमें देखो ऐसे ही होगा, बिल्कुल वही करना है, 1800 आएगा, वैसे ही सब कुछ होगा, पर सेल वैल्यू है ये, तो एंट्री सेल वैल्यू होगी और कुछ नहीं होने वाला। इस बार पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, उसमें उसमें क्या हो रहा था, उसमें दे रहा था, फिर उधार, बाकी पैसा आधा उधार में था तो मैंने तरुण में डाल दिया, इसमें डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आ गया, टू सेल टू आउटपुट, समझ गए।
उम्मीद करते हो पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।